देश प्रेम पर यहाँ जो लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत बड़ी तादाद को मुसलमानों के देश प्रेम पर पूरा विश्वास है। बहुत से मुसलमान ऐसे कि वो जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा तो फिर तालियां बजाएंगे पाकिस्तान की तरफ। हैं जगह जगह हमें नजर आते, लेकिन बस उतने ही हैं जितने नजर आते। पुरानी जनरेशन में बहुत थे, ये मैं ईमानदारी के साथ में गैर मुस्लिम भाइयों को बता रहा हूँ। उस वक्त का जो कुछ उन्होंने देखा था, विभाजन के सीन देखे थे, उनके दिलों में थी कुछ बातें। नई जनरेशन में नहीं है मुसलमान, कुछ हैं, कुछ घेटों में रहते हो। उन घेटों में रहने पर क्यों मजबूर है ये भी एक अलग पूरी कहानी है या लंबी बातें हैं, लेकिन उन घेटों में उनकी माइंड माइंड सेट और मेंटेलिटी वो बनी हुई है। ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ में ये बात नहीं है, ये पुरानी जनरेशन के कुछ लोग, कुछ घेटों में रहने वाले, कुछ वो तो कुछ नौजवानों के साथ में, वरना नहीं है। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, भाई इस पे तो बहुत कुछ कहता मैं आपसे, उनके बारे में एक बात बता दूं। जब उनको मजबूर कर दिया गया मक्का छोड़ने पर कि तुम एक ईश्वर की बात यहां नहीं कर सकते, निकलने से पहले सीधे उस रास्ते पर नहीं गए जहां जाना था मदीने, जहां के लिए तय कर लिया था उन्होंने, उल्टी तरफ गए एक पहाड़ी। वो पहाड़ी जो थी उसके अंदर एक गुफा थी, 3 दिन वहां पे रहे ताकि लोग ढूंढ चुके तो फिर उसके बाद जाए। 3 दिन के बाद जब निकले और मदीने की तरफ चले तो पहले पहाड़ी की चोटी पर गारे सौर, उस पहाड़ी पर चढ़ने के बाद पहाड़ी की चोटी पर खड़े हुए देखा अपने शहर की तरफ और बहुत हसरत से कहा कि मेरी कौम अगर मुझे नहीं निकालती तो तुझे छोड़कर मैं कभी नहीं जाता। ये देश प्रेम नहीं था, ये फितरत में है, ये नेचर में है, ये स्वभाव में है। इस शहर के अंदर जिस जगह जिस घर के अंदर मेरा जन्म हुआ वो किराए का घर था, बहुत छोटा मोटा सा, बड़ी ऐसी चीजें थी कि वहां पर बारिश का पानी आता था, दीवारें तक नहीं थी हमारे किचन में, हम उसके ऊपर लकड़ी की पटरी पर बैठकर खाना खाते थे। जगह जगह दीवारें गिर रही थी, वो हाथ के पंखे वो चलते थे, वो बिजली के पंखे, हमारे घर में एक ही था बस। आज जहां हम रहते बहुत अच्छा घर है, वहां किसी कॉस्ट पर जमीन नहीं है अवेलेबल, भीड़ भाड़ तो अपनी जगह पर, बात बाज हमारा अपना है, आराम की सब चीजें हैं। अब जाना नहीं होता उन गलियों के अंदर, कभी 2-3 साल में मैं कभी गुजरता हूँ तो निकल कर जा नहीं पाता, मेरे कदम रुक जाते हैं, बहुत देर तक देखता रहता हूँ। ये फितरत में, ये स्वभाव में है, और अगर ये नहीं बचा है कहीं पर तो कहीं पर ये स्वभाव बिगड़ा है, जिसकी वजह से ठीक करना होगा।